अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सा हेड शेप क्लिप। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सी लेडी है और इनके कितने लंबे बाल हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं। तो जनाब इनका हो रहा है अंडर हेड शेव, कितने ही ज़बरदस्त तरीके से शेविंग गन के जरिए इनका हेड शेप स्टार्ट कर दिया गया है। तो जनाब शेविंग गन से इनके जो बैक साइड के बालों को उतारा जा रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शेविंग गन से बालों को उतारना ईजी होता है, बिल्कुल सीजर की तरह बाल आसानी से कट जाते हैं। और देखिए उन्होंने बैक साइड से स्टार्ट कर दिया गया है, लेंथ इनकी काफ़ी अच्छी थी बालों की। तो जनाब चल के मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए कि इनके बालों के साथ क्या होता है। तो जनाब जी इनके जो बाल हैं उनको काट दिया गया है, थोड़े से रह गए हैं उनको भी काटा जाएगा। जरा लीजिए जनाब सीजर, तो फिर सीजर ही होती है, सीजर को लिया गया है उनके लेंथ काटने के लिए। अब शेविंग गन से जाहिर है बाकी के बालों को उतारा जाएगा। तो चलिए मेरे साथ चल कर इस क्लिप को आप भी इंजॉय कीजिए, और अगर आप लोगों को ये क्लिप पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये क्लिप कैसा लगा है। तो जनाब चल के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनके जो हेड शेप है वो कैसा होने वाला है। आई थिंक ये अंडर हेड शेप करने वाले हैं, क्योंकि बाकी बालों को बांधा गया है और बिल्कुल बैक साइड से जो बाल है उनको उतारा जा रहा है शेविंग गन के जरिए। और देखिए जनाब शेविंग गन से इनका बैक हेड शेप अंडर हेड शेप स्टार्ट कर दिया गया है। अच्छा जनाब, तो इनका हेड शेप जो है वो शेविंग गन से स्टार्ट हो गया है। शेविंग गन से हेड शेप काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उसमें, बड़ी जल्दी हो जाएगा इनका बैक हेड शेप। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है इनका बाल, इनके जो बालों की लेंथ थी वो काफ़ी अच्छी थी और बाल इनके थिक भी काफ़ी थे। अब देखना ये है कि इनका जो फाइनल लुक है वो कैसा आता है, वो हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता। ऐसे और बहुत सी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।